तो क्या हुआ, बहुत हंगामा होने लगा। बहुत सारे जो मुसलमान वगैरह थे वो कहने लगे, नहीं नहीं भाई, ये तो हिंदू को प्रमोट कर रहे हैं, हम योग नहीं करेंगे। तब उन्होंने क्या किया, मिडिल ईस्ट से बहुत सारे लोगों को बुलाया जहां के स्कूलों में लोग योगा करते हैं, फिर भी कुछ लोग विवाद कर रहे थे। तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के, वो मुसलमान थे। तो उनकी पत्नी बोली, अरे भाई ओमकार तो हम भी करते हैं, मन की शांति मिलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, ओमकार लेने में, ओम शब्द का इस्तेमाल उच्चारण करने में किसी को दिक्कत नहीं होती है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान जो हरे कृष्ण नाम मानते हैं वो ओमकार में विस्तार करते हैं। उसी तरह से तत्, तत् का मतलब क्या है कि ये जो ब्रह्मांड है वो किससे निकला है, वो उससे निकला है, उस ओमकार से, उस ब्रह्म से, परमात्मा भगवान से निकला है। तो मतलब करने का क्या है, तत् का मतलब ये है कि जो भी करना है वो उस ओमकार के लिए करना है, कि उसी से सब कुछ निकला हुआ है। और सत का मतलब क्या है, वो जो ओंकार है जिससे ये भौतिक क्षणिक जगत निकला हुआ है वो कैसा है, वो असत नहीं है, वो सत है। सत मतलब परमानेंट है, उसका कभी विनाश नहीं होता, वो अविनाशी है। सत एव सौम्यास उक्ति आसीत अग्रि आसीत। तो ये छांद योग उपनिषद में आता है कि जो यज्ञ हैं, जो ब्राह्मण हैं, यज्ञ दान तपस्या हैं, वो सबके सब कहां से निकले हैं, वो ब्रह्म से ही निकले हुए हैं। तो ब्रह्म ने ही उन सबका निर्माण किया है। तो श्री यज्ञ दान तपस्या किसके लिए होना चाहिए, उस ब्रह्म के लिए होना चाहिए जिससे ये जगत निकला है। और वो जो ब्रह्म है वो कैसा है, वो क्षणिक नहीं है, वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो इसीलिए यज्ञ दान तपस्या करते समय लोग किस शब्द का इस्तेमाल करते थे, ओम तत्सत। ये जो मैं कार्य करने जा रहा हूं ये कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं है, पुण्य के लिए नहीं है, किसके लिए है, ये ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। तो ये मेन चीज है। तो हमारे वक्त लोग भी कई बार बोलते हैं ना, अभी हम लोग तो कई बार ओम तत्सत नहीं बोलते, और बोलने में कोई दिक्कत नहीं, कई भक्त लोग बोलते भी हैं ओम तत्सत। तो कई बार भक्त लोग क्या बोलते हैं, ऑल ग्लोरी टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू गुरु एंड गौरांग। ये सारी के सारे ये किसके लिए हैं, इसका सारा श्रेय गुरु गौरांग पास जाता है, ये हमारे लिए नहीं है, हमारी कोई इसमें वो नहीं है। मतलब ये किसी प्रसन्नता के लिए, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए है, ये हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं है, हमारी ख्याति के लिए नहीं। तो सर भक्तों का भी वही वही मनोभाव रहना चाहिए कुछ भी करते हुए, कि जो भी हम कर रहे हैं वो कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं है, के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम किसी भी भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए, ख्याति को प्राप्त करने के लिए, फॉलोअर्स को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे। ना धनम ना जनम ना सुंदरम कविताम वा जगदीश कामे माम जन्म नहीं जन्म निश्चरे भक्तार भक्त रहत। तो लगभग वही एटीट्यूड वही है। ओके, तो ये हो गया। तो फिर 24 नंबर हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, जैसे जैसे बहुत सारे मंत्र के आगे भी ओम लगा रहता है, जैसे ओम नमः शिवाय, तो इसका ये है कि भगवान देवी देवता का नाम के पहले हम लोग भगवान को स्मरण कर रहे हैं। हाँ, कोई भी मंत्र तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपकी जीभ शुद्ध नहीं होगी। और जीभ जीभी कर रहे हैं, टंगलीन करने से शुद्ध नहीं होती है। वो किससे शुद्ध होती है, जब भगवान का नाम लिया जाता है। इसलिए हर मंत्र के आगे अगर ओमकार नहीं है तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए अगर जिस जिस मंत्र में ओमकार नहीं है वो नहीं काम करेगा, क्योंकि पहले भगवान विष्णु का नाम आना चाहिए, उससे आपकी जीभ शुद्ध होगी, फिर कोई भी देवी देवता प्रसन्न हो सकता है। ठीक है ना? ओके प्रभु, थैंक यू। जिधर से आप देखें, कोई भी यज्ञ होने से पहले लोग क्या करते हैं, आसमान करते हैं, ओम केशवाय नमः नारायण नमः माधव नमः, जैसे हम लोग करते हैं, सब लोग भी करते हैं, कर्मकांड यज्ञ के लिए भी करते हैं। क्योंकि जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे,
देवी देवताओं का मंत्र काम नहीं करेगा। इसलिए बहुत सारे आजकल तो बहुत सारी सोसाइटी आ गई हैं, एक सोसाइटी के लोग एक नंबर के गधे हैं, बोलते हैं कि ओम भी नहीं बोलना चाहिए, इसी नमः सेवा बोलते रहिए, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना? ओके प्रभु, थैंक यू। ओके राजकुमार। अच्छा प्रभु जी, ये सर सर का मतलब आपने बताया कि डिस्टर्ब हो रहा है ना? हाँ डिस्टर्ब हो रहा है। एक सेकंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। अच्छा जैसे आपने सत का मतलब बताया कि ये भौतिक जगत शाश्वत है। नहीं नहीं तत, ओ, हाँ सत का मतलब भौतिक जगत नहीं, शाश्वत क्या है? ओम शाश्वत है। अच्छा ओम तत, तत मतलब वो जो ओमकार है जिससे पूरा संसार निकला है, भौतिक संसार निकला है, सत वो क्या है? वो शाश्वत है। और उस शाश्वत ओमकार को प्रसन्न करने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, हम भौतिक चीज के लिए नहीं। ठीक है ना? तो ओम तत् सत, ये इसके लिए नहीं, जगत के लिए नहीं। तो वो एक फिर से तीनों का अर्थ बोलिए। ओम कौन है? ब्रह्म परमात्मा भगवान को ओम कहते हैं। तत् मतलब वो जो ओमकार है जिसको आप ब्रह्म बोल सकते हैं, परमात्मा बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं, उनसे क्या निकला है? उससे पूरा भौतिक जगत निकला हुआ है। तो ओम तत् मतलब इंडिकेशन, तत् इंडिकेशन है। जैसे आपको बोलेंगे वो, यहां बोल रहे हैं आप मतलब मैं, हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, तो तत्। और सत का मतलब क्या है? वो सत है मतलब अविनाशी है। ठीक है? और उसके प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं। ठीक है 24 नंबर। अच्छा प्रभु जी, और एक मन में शंका आ गई। जैसे आपने बोला कि वो ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों को इंडिकेट करता है, लेकिन सारी सृष्टि तो सब भगवान से निकली है, तो ब्रह्म को भी समझे, परमात्मा को भी समझे कि सिर्फ भगवान को समझना चाहिए? नहीं, देखिए कैसे, जो भक्त लोग हैं वो तो भगवान को जानते हैं, जो भक्त नहीं है, कर्मी है, योगी है, वो ओमकार को किसी तरह देखते हैं? ब्रह्म परमात्मा की तरह देखते हैं, क्योंकि ब्रह्म और परमात्मा भगवान से अभिन्न है। इसलिए अगर आप बोल रहे हैं ब्रह्म और परमात्मा से जगत आता है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। जैसे आपका जो रंग है, आपका रंग आपके शरीर का हिस्सा है कि नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे नहीं रंग अलग है, रंग से हमारा शरीर का कुछ लेना देना नहीं है। उसी तरह से भगवान के शरीर से जो किरणें निकल रही है कृष्ण के शरीर से, वो कृष्ण ही है, कृष्ण से अलग नहीं है। पर ये है उसमें सिर्फ सत है, चित और आनंद नहीं है। तो उस तरह से जब हम बोलते हैं कि कोई ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर रहा है, इस हिसाब से वो कृष्ण को ही प्राप्त कर रहा है, लेकिन कौन से हिस्से को प्राप्त कर रहा है? सिर्फ सत को प्राप्त कर रहा है, चित और आनंद को प्राप्त नहीं कर रहा है। ठीक है? तो गलती नहीं है उसमें। प्रभु यदि तो को हम तरह सुना नहीं दे रहे माता जी। अरे कट रही है माता जी, आवाज कट रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही है। आप थोड़ा बाद में पूछिए, अभी नेटवर्क गड़बड़ है। तस्मादोमिति उदाहृत्या यज्ञ ज्ञान तपा क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिनाम्। पढ़िए इसको। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। हरे कृष्णा। तो तत् के बारे में हम बता रहे हैं, तत् इति उदाहरिता। तो इसका मतलब क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या जो भी आध्यात्मवादी करते हैं वो कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं,
वो तत्कर्थ है। किसके लिए करते हैं? तत् के लिए करते हैं, उस ओंकार के लिए करते हैं, अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते हैं, उस ओंकार के लिए करते हैं। तो तत् शब्द आता है। ओके, पंकज लखानी का प्रश्न था, क्या हमको जप करने के पहले ओम का सत्कार बोलना जरूरत है? बोल सकते हैं, बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेन चीज है कम से कम उसका जो इंटेंशन है वो हमको याद रहना चाहिए कि हम जप किसके लिए कर रहे हैं। जप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, वो मुख्य चीज है। बोले ना जो बोले, क्योंकि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र का विस्तार ही ओंकार है, और हरे कृष्ण महामंत्र में हमको पता है कि हम सीधे कृष्ण और राधा रानी से बात कर रहे हैं, तो उतना आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो जब आचमन करते हैं तो ओंकार का तो उच्चारण करते हैं हम लोग उस समय, हाँ, आचमन करके ही तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ना। हरे कृष्ण महामंत्र के लिए आचमन की आवश्यकता नहीं है, आप करती हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। तो एक बार गुरु महाराज के लेक्चर में सुने थे कि उन्होंने बोला था कि कोई भी मंत्र करने से पहले आचमन करना चाहिए, इसलिए तब से करने लगे। मंत्र है इसी तो, मंत्र और महामंत्र में अंतर है। ओके, महामंत्र में कोई नियम नहीं है, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, तो हरे कृष्ण महामंत्र में कोई नहीं। और कोई जो मंत्र करेंगे आप, विधि कर रही है, भगवान की सेवा कर रही है, उसमें समय आचमन करना पड़ता है। गायत्री करते हैं तो आचमन करते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र है, ये मंत्र नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं है, ठीक है। और प्रभु, जैसे मेरा प्रश्न था कि यदि कोई पूछता है कि ओंकार कैसे भगवान कृष्ण है, तो कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे? शास्त्रों में दिया है तो है, तो एक्सप्लेन क्या करना है। और भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, प्रणमा सर्व वेदेशु, सारे वेदों में मैं प्रणम ओंकार हूं, तो भगवान बोल रहे हैं तो हमको भरोसा करना पड़ेगा ना। तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपा क्रियः। अच्छा, ये 25 नंबर हो गया क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं हुआ। ओके ओके ओके, मैं जो पिछला जो अर्थ बताया था वो 25 का ही बताया था, 24 का मैं बता चुका था। ओके ठीक, तो 25 का ऑलरेडी मैं बता चुका था, तो फिर भी पढ़ लेते हैं हम। तत्ति अनिभिसंधाया फलम यज्ञ तपा क्रियः दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। पढ़िए इसको। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। इसलिए 24 नंबर में दिया है कि वो लोग ओमकार का शब्द का इस्तेमाल करते, तत् का मतलब तत् का इस्तेमाल करते थे, कि मतलब किसके लिए कर रहे हैं, हम ओमकार के लिए कर रहे हैं। अगर ये हमको याद रहेगा तो कोई भी क्रिया आपको पुण्य नहीं देगी, क्योंकि पुण्य क्या है, संसार में बांधने वाली है। पुण्य से स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। इसलिए लोग पहले क्या करते थे, जो साधु संत वगैरह हैं, आध्यात्मवादी हैं, वो ओम तत्सत बोलते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि यज्ञ दान तपस्या हम पुण्य कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, यह मात्र उस ओंकार को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए लोग ओम तत् शब्द का इस्तेमाल करते थे, और भक्त लोग भी चाहे तो कर सकते हैं। सद्भावे साधु भावे च सद इति एतद् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दा पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने चास्ति सत् इति चोच्यते कर्म चैव तद् अर्थीयं सत् इति एवाभिधीयते। पढ़िए। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रताप पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। हरे कृष्ण। सत मतलब जो कैसा है, अविनाशी है, उसको सत बोलते हैं।
और अविनाशी वो क्या है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म परमात्मा भगवान बोलिए। इसीलिए कुछ भी अगर कल्याणकारी है, शुभ है, एकदम अच्छा है, उसको सत कहते हैं। तो इसलिए बोले सद्भावे साधुभावे। सद्भावे का मतलब क्या है, ये सत शब्द है वो किसको ज्योत वो करता है, दिखाता है, ब्रह्म को दिखाता है। और साधुभावे मतलब वो उन लोगों को भी दिखाता है, दर्शाता है जो लोग आध्यात्मवादी हैं। तो आध्यात्मवादी स्वयं और उनका जो उद्देश्य है, दोनों के दोनों कैसे हैं, सत हैं, मतलब आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, अविनाशी है, विनाशी नहीं है। तो वो उसको दिखा रहा है। तो यज्ञ दान तपस्या जो भी व्यक्ति कर रहा है तो सत क्या कर रहा है, उसके लक्ष्य को दिखा रहा है कि इनका लक्ष्य कैसा है, सत है, असत नहीं है, इस भौतिक जगत का नहीं है, उस आध्यात्मिक जगत का है। ये भगवान सत्ता से बता रहे हैं। तद अर्थियम, तो जो भी कार है, तदर्थियम का मतलब क्या है, जो भी कार है वो आध्यात्मवादी वो कैसा है, वो उस सत को प्राप्त करने के लिए। तो भक्त लोग अगर मान लीजिए झाड़ू लगा रहे हैं मंदिर में, सब्जी काट रहे हैं, मंदिर मतलब आपका घर भी मंदिर है अगर आप भगवान के अंदर हैं, तो आप सब्जी काट रहे हैं, खाना पका रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, तदर्थियम, क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए है। तो वो कैसा हो जाता है, वो सब सत हो जाता है, वो भौतिक नहीं है, वो कैसा हो जाता है, आध्यात्म हो जाता है। तो ये सत से समझा रहे हैं। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, ये तो ठीक है भगवान ने आपने सत के बारे में बताया, तो असत क्या है, असत क्या है, अश्रद्धाया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असत इति उच्यते पार्था नाच तत् प्रेतिनौ इह। पढ़िए इसको। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इसलिए भगवान बताते हैं कि जो भी आप यज्ञ दान तपस्या इत्यादि कर रहे हैं, तो वो कैसा है, असत हो जाता है। कब हो जाता है, जब वो श्रद्धा नहीं, कौन सी श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा नहीं उसके अंदर। सात्विक श्रद्धा कौन सी श्रद्धा है, अगर आपको पहले हम लोगों ने पढ़ा श्रद्धा का, तो सात्विक श्रद्धा वो श्रद्धा है जो शास्त्रों के आधार पर है, और उस श्रद्धा की वजह से जो भी आध्यात्मवादी है वो भौतिक जगत में कुछ नहीं जाता है। वो सब चीजें क्यों करता है, कर्तव्य के रूप में करता है, उस ब्रह्म परमात्मा भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो जिसकी वो सात्विक श्रद्धा नहीं है, तो वो यज्ञ दान तपस्या इत्यादि जो भी कर रहा है उसे क्या मिलेगा, उससे असत ही मिलेगा, सत नहीं मिलेगा। साधारण चीज है, जब तक आप उसको भगवान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो परमानेंट रिजल्ट कैसे मिल सकता है, पुण्य ही प्राप्त होगा ज्यादा से ज्यादा। तो इस तरह से आपने जो वो व्यक्ति यज्ञ दान तपस्या जो भी कर रहा है, एक हिसाब से वो ना करने के बराबर है। क्यों ना करने के बराबर है, क्योंकि उसका रिजल्ट है उस समय के बाद साथ खत्म हो जाएगा। घोर तपस्या की लेकिन स्वर्ग में भोग करके वापस आ गए, क्या फायदा हुआ घोर तपस्या का। तो ये सारी सारी चीजें कैसी हैं, असत हैं, छड़क हैं। प्रेत ही वो इस जगत में ही आपको फंसा के रखेंगे, ऊपर लेके नहीं जाएंगे। तो ये भगवान ने सत असत बताया। तो ये भगवान ने एक हिसाब से समरी बता दी है इसमें, ये कोई कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है या फिर भक्त है, उसका लक्ष्य कैसा होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, उसको कुछ भी कार्य इस भौतिक जगत के लिए नहीं करना चाहिए। ओम तत् सत् मत के माध्यम से ये भगवान ने बता दिया। एक हिसाब से ये भगवद गीता की समरी है,
क्योंकि भगवान ने पहले ही सब बता दिया है कि कैसे भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। योग लेटर भगवान बता चुके हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, उसमें भक्ति योग श्रेष्ठ है, ये बता चुके हैं। और साथ में भगवान ने आगे बता रहे हैं, ठीक है कम से कम कुछ भी करो आध्यात्मिक चीज के लिए तो करो, आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए करो, भौतिक जगत के लिए कुछ मत करो। तो ये भगवान क्लियर करते हैं। हरे कृष्णा बाबू जी। हाँ बोल बाबू जी। हरी बोल। हाँ आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। प्रभु जी जैसे हम लोग ये अभी यहाँ पे जैसे ही पढ़े कि अश्रद्धा के साथ किया गया काम जो असत हो जाता है, तो कभी कभी जो हम लोग मैकेनिकल चैंटिंग करते हैं मतलब अन्य चैंटिंग, तो क्या वो भी अश्रद्धा वाला हो गया? नहीं देखिए आप चैंटिंग कर ही रहे हैं, श्रद्धा नहीं होगी तो आप चैंटिंग ही नहीं करेंगे ना। लेकिन एक चीज है कि जैसे आप जब करते हैं ये अथामा प्रपद्यन्ते, तो अगर आप ठीक से जब नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या है, फिर उसका रिजल्ट भी बहुत कम होता है। और जितना ज्यादा हम ध्यान पूर्वक करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, मेहनत करके करते हैं, तो रिजल्ट भी उसका उस हिसाब से ज्यादा होता है। तो वो है रिजल्ट अश्रद्धा मतलब वो नॉन अटेंटिव चैंटिंग भी हुआ तो वो उसका कुछ रिजल्ट होगा, लेकिन इसमें जैसे लिखा कि व्यर्थ हो जाता है तो व्यर्थ तो नहीं होगा? ये वो व्यर्थ नहीं होगा क्योंकि कम से कम आज्ञा स्वीकृति मिलेगी, क्योंकि कम से कम आप क्या कर रहे हैं, ड्यूटीफुली तो कर रहे हैं ना। अगर कोई इनअटेंटिव भी कर रहा है, ड्यूटीफुली तो कर रहे हैं ना, कि हमारा कम से कम कर्तव्य है कि सोलह माला करना है तो सोलह माला कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है, वो सात्विक श्रद्धा में आ जाएगा। अच्छा। लेकिन हम लोग उस स्तर पर नहीं रहना है, चाहिए ड्यूटीफुली प्रयास करना चाहिए कि जितना अटेंटिव हो सके उतना अटेंटिव करना चाहिए। प्रभु श्रद्धा नहीं होना का अर्थ ये है कि जबरदस्ती उसको करना नहीं, श्रद्धा मतलब आध्यात्मिक श्रद्धा ना होना हो, जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं अश्रद्धा, उसका मतलब आध्यात्मिक श्रद्धा ना होना, मतलब किसके लिए कर रहे हैं? अरे इस जगत में भोगना है, घूमना फिरना है, खाना पीना, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये जो श्रद्धा है ये शास्त्रों में श्रद्धा है कि शास्त्रों में जो परम लक्ष्य बताया है ब्रह्म परमात्मा भगवान, वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे प्रभु यहाँ पे दान का लिखा है, कई बार हम लोग दान बिना बेमन से देते हैं, वो भी अश्रद्धा ही हुआ ना। जैसे दान नहीं देना है, वे लोग जबरदस्ती लेते हैं, तो वो अश्रद्धा वाला ही दान हो गया ना। आप किस लिए दे रहे हैं वो मैटर करता है, और ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप पुराना क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ प्रभु कर चुके, लेकिन एक बार जस्ट इसको कर रहे हैं। हाँ तो जब अगर आप जबरदस्ती दे रहे हैं तो कौन से गुण में आएगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कौन से मैदान आएगा? तमोगुण होना होगा। तमोगुण नहीं, रजोगुण है। देखिए दूसरे कन्नी काटने के लिए आप कर रहे हैं तो रजोगुणी दान में आता है, तो रजोगुणी दान है वो। लेकिन अश्रद्धा नहीं बोलेंगे। हाँ इसको अश्रद्धा नहीं बोलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्यों दान दे रही हैं उस पर डिपेंड करता है। आप इसलिए दे देंगे, ठीक है भाई वो गुंडा मवाली है उसको दान दे देंगे, थोड़ा शांति से रहेंगे, जब कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक आपका लक्ष्य है ना, उसके लिए क्या लक्ष्य है उस पर मैटर करता है। वो लक्ष्य के ऊपर यहाँ श्रद्धा का बोला गया। श्रद्धा मतलब लक्ष्य। ओके थैंक यू। ठीक है, तो इस चैप्टर में भगवान ने क्या बताया है कि जो भी व्यक्ति को कार्य करना चाहिए कम से कम वो सत्वगुण ही कार्य करने चाहिए, वरना वो भले ही आपका मनगढ़ंत कुछ भी धर्म है वो रजोगुण तमोगुण में रहेगा। और साथ में ये सारे के सारे जो कार्य हैं जब वो श्रद्धा के साथ किए जाते हैं, कि शास्त्रों का अगर हम ये कार्य करेंगे तो जो शास्त्रों में ब्रह्म परमात्मा भगवान लिखा हुआ है वो हमको प्राप्त होगा, तो उससे व्यक्ति को क्या होता है, उससे व्यक्ति को संसार से मुक्ति मिल जाती है। तो ये भगवान ने यहाँ पे समरी में इस चैप्टर में बताया हुआ है। तो एक हिसाब से भगवद गीता समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भगवान चैप्टर नंबर 18 में पूरी भगवद गीता की समरी फिर से बताने वाले हैं। तो इस तरह से क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, भगवान अर्जुन बोलता है कि हे भगवान इस अभी अभी आपने बताया तत्
कि जो भी यज्ञ दान तपस्या है उसको इस जगत से निकलने के लिए काम उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तत् उस कार्य के लिए करना चाहिए। लेकिन जनरली हमने देखा है जो सन्यासी लोग होते हैं वही संसार से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन बाकी लोग जो होते हैं जो इस संसार में कुछ भोग नहीं करना चाहते हैं, ड्यूटीफुली काम करते हैं, लेकिन वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे जो त्यागी लोग हैं उनका क्या होता है? तो ब्रह्म परमात्मा भगवान को भी प्राप्त नहीं करना चाहते और ये भी नहीं चाहते। एक हिसाब से वैसे त्यागी निष्काम कर्म योगी है, उसका लक्ष्य ब्रह्म ही होता है, लेकिन अर्जुन टेढ़ा मेढ़ा करके इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्योंकि अर्जुन फिर से वही प्रश्न पूछेगा जो चैप्टर नंबर 3 और 5 में पूछा था। तो भगवान बोलेंगे अरे भाई ये क्या है, आप फिर से वही प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए अर्जुन टेढ़ा करके भी प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न वही है, लेकिन अभी टेढ़ा करके अर्जुन प्रश्न पूछने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि चैप्टर नंबर 3 से लेकर 17 तक आप एक हिसाब से देखेंगे सिस्टमेटिकली भगवान ने पूरी भगवद्गीता प्रेजेंट करी है। इसलिए भगवान अर्जुन कहाँ लेके जा रहे हैं, फिर वो चैप्टर नंबर 3 में लेके जा रहा है, और भगवान 3 से 17 तक लेके जाएंगे और 17 से आगे भी लेके जाएंगे। तो भगवान पूरा कंक्लूजन देने वाले हैं भगवद्गीता का चैप्टर नंबर 18 में। इसीलिए इसका एक और नाम है प्रपत्ति योग, 18 नंबर अध्याय का, जिसमें शरणागति के बारे में बताया हुआ है कि शरणागति हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसमें पूरे लगभग 18 में सब कुछ ही आ जाता है, सन्यास, ज्ञान, कर्म, मोक्ष, इन सब के बारे में बताते हैं भगवान। उसके बाद परमात्मा के बारे में बताते हैं और कैसे बताते हैं कि कैसे भक्ति जो है सबसे गुही तमाम, सबसे बड़ा गुही ज्ञान है, और भगवान के चरणों में शरणागति जीवन का लक्ष्य है। इसके बारे में भगवान इस 18 नंबर अध्याय में बताने वाले हैं। ओके, तो फिर से हमारा पूरा रिवीजन होने वाला है पूरी भगवद गीता के चैप्टर नंबर 18 में। अर्जुन वाच सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य चारिषी केशा पृथक् केशी निसूदन। पढ़िए। अर्जुन ने कहा हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। तो भगवान अर्जुन पूछता है वही कि भगवान ये त्याग और संन्यास में क्या अंतर है? अभी पिछले उसने बताया ना मोक्ष प्राप्त करने का, मोक्ष तो सन्यासी लोग प्राप्त करते हैं, कहाँ त्यागी लोग, कहाँ सन्यासी प्राप्त, सन्यास के बारे में सोचते हैं, मतलब क्या कहाँ उसके बारे में सोचते हैं, मोक्ष के बारे में सोचते हैं। तो वो तो सन्यासी लोग बोलते हैं मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, त्यागी लोग तो ऐसे घूमते रहते हैं। तो इन दोनों में कोई अंतर है क्या? क्या उनका एक ही मतलब है, या त्याग और सन्यास में अलग अलग भेद है? तो हे ऋषिकेश, आप ऋषिकेश है मतलब सबकी इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले हैं, तो आपकी वजह से ही मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। मतलब क्लियर है मेरे को, लेकिन मैं क्यों प्रश्न पूछ रहा हूं? क्योंकि आप मेरी इंद्रियों को कंट्रोल करके वो प्रश्न मेरे से पूछवा रहे हैं, क्योंकि आप समरी देना चाहते हैं अभी। तो इसलिए अर्जुन ने शब्द ऋषिकेश बोला है। और फिर बोलते हैं केशी निसूदन, जैसे आपने केशी की हत्या की थी, किसी का वध किया था, उस तरह से मन में जो संशय है आप उसका वध करिए। तो हे महाबाहु, जिसकी महाबाह है, बड़ी बड़ी बाह है, मतलब योद्धा है आप, बहुत बड़े, तो आप बड़े योद्धा हैं, मैं उतना बड़ा योद्धा नहीं हूं, मैं छोटा सा योद्धा हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों योद्धा हैं इसलिए हम दोनों मित्र हैं। हाँ, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है जो आपके पास है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम मित्र हैं मैं ये प्रश्न पूछने से डर नहीं रहा हूं, क्योंकि तो प्रश्न वही पूछ रहे हैं। कई बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोग थोड़ा डरते हैं। तो बोले भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन बोल रहा है नहीं नहीं,
हम मित्र हैं इसलिए मैं डर नहीं रहा हूँ, वही प्रश्न पूछ रहा हूँ। अभी भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं दो नंबर से। श्री भगवान वाचा काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। पढ़िए इसको। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हरे कृष्ण। तो सन्यासी और त्यागी में क्या भेद है भगवान क्लियर करते हैं। जो त्यागी है वो काम कर्म भी करता है और नित्य कर्म भी करता है। दो तरह कर्म है जो यहां बताए हैं, काम कर्म नित्य कर्म। काम कर्म कौन से हैं? जो वर्णाश्रम धर्म में जो कर्म आते हैं वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का पोषण करने के लिए होते हैं। इंद्रिय तृप्ति द्वारा व्यक्ति इंद्रियों को पोषण देना चाहते हैं, बाहर और अंदर की इंद्रियां, उसके लिए व्यक्ति काम करता है, और धन कमाने के लिए ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। तो इन सब कर्मों को इसलिए काम कर्म कहा जाता है। नित्य कर्म कौन से हैं? संध्या वंदन, तीन संध्याओं में। तो जो लोग आप देखें भारत में वो कल्चर है, सुबह लोग पूजा कम से कम दो बार तो पूजा करते हैं, सुबह और रात के टाइम, शाम के टाइम। तो उसको नित्य कर्म कहा जाता है जो हर किसी को करना चाहिए। तो ये जो त्यागी है ये दोनों करता है, काम कर्म भी करता है नित्य कर्म भी करता है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करता है। जबकि सन्यासी क्या करता है? सन्यासी सिर्फ नित्य कर्म करता है, काम कर्म नहीं करता है। लेकिन जब वो नित्य कर्म भी करता है तो कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए नहीं करता है, सिर्फ मोक्ष को प्राप्त करने के लिए करता है। तो काम कर्म जो करता नहीं है, नित्य कर्म भी करता है किसको? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। तो गृहस्थ लोग दिन में अगर दो बार आरती कर रहे हैं, सन्यासी भी करेगा तो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता है, लेकिन ये दोनों करता है, लेकिन किसके लिए? उसको मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है। ठीक है, तो ये दो तरह के कर्म है। तो एक तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार काम कर्म आते हैं, और फिर कुछ शास्त्रों के अनुसार भी जो कर्म कांडी कर्म होते हैं, जैसे पुत्र कामिष्ठ यज्ञ इत्यादि, वो भी सब काम कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो ये दोनों में अंतर हो गया। अभी समझ में आ गया ना? जो त्यागी है, जिसको कभी निष्काम कर्म योगी भी कहते हैं, वो अभी क्लियर होगा। वो क्या है? वो दोनों करता है, काम कर्म और नित्य कर्म, लेकिन कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है, फल की प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता है। और सन्यासी सिर्फ नित्य कर्म करता है और फल को प्राप्त करने के लिए नहीं करता है। तो दोनों में एक चीज कॉमन क्या है? ये कॉमन है कि दोनों को दोनों फल को प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस किसमें है, अंतर किसमें है? कर्म में अंतर है। त्यागी दोनों कर रहा है, काम कर्म नित्य कर्म, और सन्यासी सिर्फ नित्य कर्म कर रहा है, काम कर्म नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ये दोनों हो गया। फिर आगे बोलते हैं भगवान, त्याज्यम दोषवत् इति एके कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम इति चापरे। पढ़िए इसको। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इस तरह से भगवान क्या बोलते हैं कि जो सांख्य इत्यादि, जो सांख्य के लोग, ये दो तरह के ओपिनियन बताएं, एक ओपिनियन बताया एक्चुअली में सांख्य वालों का, जो लोग सांख्य फॉलो करते हैं, और दूसरा है वो कर्म मीमांसक कहलाते हैं, तो जिसको भगवान अपरे बोल रहे हैं ना, ना त्याजा मिति चापरे, अन्य लोग। वो अन्य लोग कौन है? वो कर्म मीमांसक है। तो जो सांख्य योगी कहते हैं होते हैं, वो कहते हैं कि जो यज्ञ दान इत्यादि में, जो खासकर यज्ञ के बारे में जिसमें हिंसा होती है या फिर कुछ और गलत कार्य हो सकते हैं, तो उसको नहीं करना चाहिए। कर्म मीमांसक कहते हैं कि नहीं, अगर कुछ हिंसा भी दिख रही है तो उसको नहीं त्यागना चाहिए। तो
इस तरह के लोगों के अपने अपने ओपिनियन है। काम कर्म, एक का ओपिनियन क्या है, काम कर्म करते रहिए भले फल की इच्छा को त्याग दीजिए, और दूसरा कह रहा है नहीं काम कर्म को छोड़ देना है। तो काम कर्म में दोनों क्या है, अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग डिफरेंस है। अच्छा इसका वो पढ़िए तात्पर्य, इसका प्रभुपाद ने बहुत अच्छा दिया होगा, पढ़िए इसको। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म है जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतः निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तक्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, कुछ लोग करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए पशु हत्या भी अगर हो रही है यज्ञ में, तो अगर एकदम प्रॉपरली हो रही है, ये कलयुग में संभव नहीं है, कलयुग में वर्जित है। अश्वमेधम गवाल संन्यासम पहले पैतृकम देवेरोने सुतपुत्ति कलो पंच विवर्जित, ये वर्जित है कलयुग में। लेकिन अन्य युगों में जब ये सब होता था उससे सबको लाभ हो जाता, पशु को एक नया शरीर मिलता था, कभी कभी बूढ़े घोड़े को मारते थे नया जवान घोड़ा निकलता था, कभी कभी मनुष्य भी निकलता था उससे, किसी यज्ञ कुंड से बाहर उसको नया शरीर मिलता था। आजकल मच्छर भी बाहर नहीं निकलता है, हमें तो आज तक देखा नहीं कुछ निकलते, धुआं निकलता है बस। तो इसलिए कलयुग में वर्जित है, लेकिन पहले होता था। फिर जो ब्राह्मण दान कर रहा है, जो यज्ञ कर रहा है उसको लाभ होता है, और जो यजमान है उसको भी लाभ होता है। तो सबका उत्थान होता है ऐसे यज्ञों से, पशु का भी होता है, यजमान का भी होता है, ब्राह्मण का भी होता है। तो ऐसे यज्ञों में बोला गया है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, वैसे कलयुग में ही वर्जित है, कलयुग में नहीं करना चाहिए। निश्चयाम श्रीणु में तत्र त्यागे भारत सत्तमा, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रति प्रकीर्तितः। पढ़िए इसको। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरासुर दल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। अभी भगवान उसके आगे नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिटूर लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा अलग टॉपिक लेके जाते हैं। तो क्योंकि भगवान ने क्या किया है, हाँ तो भगवान क्या कर रहे हैं, अब तीन तरह के त्याग बताने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे श्लोक नंबर 7 में भगवान संन्यास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये बताने के लिए कि कोई तामसिक त्याग भी हो सकता है, संन्यास भी गलत हो सकता है, ये समझाने के लिए भगवान अभी थोड़ा सा अर्जुन को और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि अर्जुन दोनों में अंतर ठीक से समझ पाए, किसमें त्यागी में और सन्यासी में, समझाने के लिए नहीं, सन्यास में भी डिफेक्ट हो सकता है, ऐसा मत समझो सन्यास के अंदर डिफेक्ट नहीं है, उसको समझाने के लिए अभी भगवान ये 5-7 बताने वाले हैं। क्योंकि 7 नंबर में भगवान बताएंगे कि कैसे सन्यास भी तामसिक हो सकता है, जैसे त्याग हो सकता है तामसिक, सन्यास भी तामसिक हो सकता है, तामसिक त्याग भी हो सकता है, तामसिक सन्यास भी हो सकता है। इसलिए आप क्यों कर रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं या त्याग कर रहे हैं, निष्काम कर्मियों का पालन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो मैटर करता है। मतलब निष्काम कर्मियों का मतलब कर्मयोग में जब तक निष्काम नहीं होगा तो निष्काम कर्मयोग नहीं होगा। तो कोई कर्मयोग कर रहा है, संन्यास ले रहा है, क्यों कर रहा है वो मैटर करता है, ये भगवान समझाने वाले हैं। अच्छा तो अभी भगवान बताते हैं 5 नंबर।
यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपस्य वा पावनानि मनीषिणाम। पढ़िए इसको। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं की भी महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि जो अगर कोई सन्यासी भी है लेकिन जो यज्ञ दान तपस्या भले वो काम कर्म की कैटेगरी में आते हैं, भले वो काम कर्म की कैटेगरी में आते हैं लेकिन अगर वो सत्गुणी हैं और बिना भोग की इच्छा के कि हम उसका जो रिजल्ट आएगा उसको भोगेंगे, उसकी इच्छा के बिना किया जाता है, तो ऐसा यज्ञ दान तप क्या है वो सन्यासी को भी शुद्ध करने वाला है, उसकी चेतना को भी शुद्ध करेगा, इसलिए उसको त्यागना नहीं चाहिए। इसी को योजना ये नहीं सोचना चाहिए अरे अभी हम सन्यासी हो गए हैं तो यज्ञ दान तप को छोड़ देंगे, क्योंकि ये काम कर्म है। तो भगवान बोलते हैं मेरा ओपिनियन क्या है, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पावनानी मनीषी नाम, जो मनीषी है जो बड़े बड़े संत हैं साधु है उनको भी ये तीन चीजें तीन क्रियाएं जो है वो शुद्ध करती हैं, इसलिए उनको त्यागना नहीं चाहिए। तो ये हमारा रिसेंटली कुछ डिस्कशन हो रहा था कुछ भक्तों के साथ। तो सन्यासी हो सकता है, सन्यासी के पास धन नहीं है तो दान कैसे करेगा? वही पूछ रहा जा रहा था प्रभु जी, मैं वही पूछ रहा था, हमारे मन में प्रश्न आया था। तो फिर वो दान क्या करेगा, तो वो विद्या का दान कर सकता है, जो भी उसने सीखा हुआ है क्योंकि विद्या तो उसके पास है तो उस विद्या का दान कर सकता है। तो विद्या दान भी, ध्यान सिर्फ धन का ध्यान नहीं होता है, विद्या का दान भी दान होता है। अगर कोई सन्यासी हो गया है उसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेरा इतना एक्सपीरियंस है लेकिन मैं ये भौतिकवादी लोगों के साथ में ग्रस्तों के साथ में मिलूंगा जुलूंगा तो मैं दूषित हो जाऊंगा। नहीं, दान को छोड़ना नहीं चाहिए। आप जब उनको ज्ञान बांटेंगे तो उससे कौन शुद्ध होगा, आप शुद्ध होंगे, उस तरह ध्यान। फिर यज्ञ, तो यज्ञ करने के लिए हो सकता है सन्यासी के पास पैसा ना हो, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है तो यज्ञ करना चाहिए। अगर नहीं है पैसा तो आप हरिनाम संकीर्तन यज्ञ तो कर ही सकते हैं कलयुग में। यज्ञ दान तपस्या, तपस्या तो खैर कोई भी कर सकता है, सन्यासी भी कर सकता है। तो उस तरह से यज्ञ दान तपस्या ये तीन चीजें हैं वो किसी को भी नहीं त्यागनी चाहिए। ये सबके सब क्या है, एक मनीषी जो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं उनको भी शुद्ध करने वाला है। दान तो सन्यासी भी कर सकते हैं ना, जो उनको मिलता है उसी में से वो किसी और को संग संग दे दिए तो वो तो एक तरह से दान ही हो गया। हाँ देखिए सन्यासी जनरली कैसा है, अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे तो सन्यासी को वही कार्य करना चाहिए और उतना ही लेना चाहिए जितना उसके खाने के लिए पर्याप्त हो। तो जब तक कोई मांगने नहीं आता है तो जनरली क्या है, जनरली लोग सन्यासी के पास जाते नहीं मांगने के लिए। अब वो भीख मांग रहा है दो रोटी मिला है, अब दूसरा भिखारी थोड़ा उसके पास जाएगा तो मेरे को भी रोटी दे दे, नहीं जो उसको मिला संग संग वो किसी और को उसको दे दिए तो वो दान ही तो हो गया एक तरह से। नहीं वो हम वो सही आप जो बोल रहे हैं लेकिन भगवान जिस सन्यासी की बात कर रहे हैं वो हमारे हमारे इस्कॉन वाले सन्यासी नहीं है। इस्कॉन के सन्यासी के पास बहुत सुविधाएं होती है, बाहर के जो सन्यासी लोग रहते हैं वो जनरली ऐसे नहीं रहते हैं, वो दिन में एक बार खाते हैं, जितना हाथ में आता है उतना लेते हैं। तो उनके लिए जनरली दान देने के लिए कुछ होता नहीं है, दे सकते हैं ठीक है। तो जो भगवान जिस सन्यासी की बात कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल सन्यासी है, जब कुछ होगा नहीं तो वो दान क्या देगा। अच्छा ये सब के सब हाँ ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं इसका, प्रभुपाद भी उसका एक उदाहरण देते हैं। तो प्रभुपाद क्या उदाहरण देते, प्रभुपाद ये ठीक है आप खुद ही पढ़ लीजिए, पढ़िए इसका तत्पर पढ़िए पांच नंबर का। योगी को चाहिए कि मानव समाज की
उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन पर आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म है। उदाहरण विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है, यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग न करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्य के लिए करे। सन्यासी को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है अर्थात जो तरुण है वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो उससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। हरे कृष्ण। उसमें प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि भले ही सन्यासी स्वयं विवाह नहीं करता है उसको स्त्री से दूर रहना चाहिए, मतलब स्त्री का भोग नहीं कर सकता है वो विवाह नहीं कर सकता है, लेकिन वो विवाह यज्ञ की संस्तुति कर सकता है। तो जनरली जो सन्यासी होता है वो पुजारी नहीं बनता है विवाह यज्ञ में, लेकिन कम से कम उसको प्रोत्साहित तो कर सकता है। उसको ये नहीं बोलना चाहिए अरे क्या है तुम लोग को जो करना हो करो, करना हो विवाह करो, नहीं करना हो नहीं करो, लिव इन में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या लेना देना है, वैसा नहीं है। उसको संस्तुति करना चाहिए। बल्कि जहां पे अगर किसी को अगर वो सुविधा नहीं है तो वो सुविधा भी क्रिएट करनी चाहिए, उसको उसका निर्माण करना। जैसे प्रभुपाद ने शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद खुद पुजारी बन के उन्होंने यज्ञ करवाया अपने जो पश्चिमी देशों के उनके जो शिष्य लोग थे, क्योंकि उस समय अमेरिका में कोई वो था नहीं, पुजारी वगैरह मिलते नहीं थे, तो प्रभुपाद ने खुद बैठ के करवाया। तो क्योंकि क्या है, ये सारी चीजें शुद्ध करने वाली है। तो इसलिए भगवान प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, इसलिए यज्ञ दान तपस्या जो कि शुद्ध करने वाला है वो सन्यासी को नहीं त्यागना चाहिए, उसको प्रोपोगेट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो बाद में प्रभुपाद ने और जो गृहस्थ लोग थे वो विवाह यज्ञ करवाया करते थे, लेकिन शुरुआत में प्रभुपाद ने खुद किया है, जो इनिशियल मैरिज है प्रभुपाद ने खुद करवाई है, खुद बन के सारा सेरेमनी करी है। तो प्रभुपाद एक हिसाब से इनडायरेक्टली अपना ही उदाहरण दे रहे हैं। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। पढ़िए इसको। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। हरे कृष्ण। अब इसमें आप देखेंगे, इस श्लोक में भगवान ने दोनों चीजों का वो किया है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। तो संग त्यक्त्वा जो यहां पे बताया हुआ है ये सिर्फ फल को त्याग करने के लिए, तो इसलिए फलानी अलग दिया भगवान ने, फलानी बाद में दिया, मतलब कर्म फल को भोगनी इच्छा का भी त्याग करना है और साथ में किस चीज का त्याग करना है, कर्तव्य अभिमान का भी त्याग करना है। तो एक और स्टेज भगवान ऊपर लिखे गए हैं। तो अगर आप वो पुराना ग्राफ जो हमने दिखाया था याद करेंगे आप, तो उसके अनुसार फल की इच्छा का त्याग, फल को भोगने की इच्छा का त्याग, और साथ में भगवान एक और लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं कि नहीं 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 कर्तव्य अभिमान का भी त्याग कर दीजिए आप, तो आप और ऊपर लेवल में जाके बहुत जल्दी किसको प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों को त्याग करके भगवान बोलते हैं वो अपना कार्य करना चाहिए। तो आप कैसे हो जाएंगे, सन्यासी जैसी हो जाएंगे, क्योंकि सन्यासी कर्म फल को भोगने का त्याग तो कर चुका है, लेकिन वो भी क्या करता है, वो कर्तव्य अभिमान से मुक्त है। तो अगर आप भी कर्तव्य अभिमान से मुक्त हैं तो आप उसी लेवल पे हैं जिसपे
सन्यासी है। तो इस तरह से सन्यासी और त्यागी एक ही लेवल पे हो सकता है, क्योंकि सन्यास लेने का वो क्या है क्वालिफिकेशन, कर्तव्य अभिमान से मुक्ति, जो ज्ञान 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 मार्ग की बात कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग की। तो कर्तव्य अभिमान से मुक्ति है, अगर कर्मयोगी भी वो क्या कर रहा है कर्तव्य अभिमान से मुक्ति रख रहा है, तो मतलब वो उसी लेवल पे है, तो फिर दोनों में कोई भेद नहीं रह जाएगा, ये भगवान समझा रहे हैं। तो दोनों का सेम प्रोग्रेस होगा, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं 6 नंबर में कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, और 7 नंबर में बता रहे हैं कि कोई भले त्यागी है सन्यासी है, अगर वो इन दोनों भावनाओं से कर्तव्य अभिमान की मुक्ति से और भोगने की भावना को नहीं छोड़ता है तो उसका पता नहीं होने वाला है, वो 7 नंबर भगवान समझाते हैं। नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। पढ़िए इसको। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया 2 तरह कर्म होते हैं, नित्य कर्म काम कर्म, लेकिन मोहवास अगर सन्यासी नित्य कर्म ही छोड़ देता है, कभी संध्या वंदन वंदन नहीं करेंगे सब बांधने वाला है, तो वो त्याग उसका कैसा हो जाएगा, वो तामसिक त्याग हो जाएगा। तो कोई त्यागी है या सन्यासी है अगर वो नित्य कर्म ही छोड़ देता है तो वो तमोगण में गिर जाता है। इसलिए सन्यासी काम कर्म छोड़ सकता है ना, लेकिन वो नित्य कर्म नहीं त्याग सकता, उसको नित्य कर्म नहीं त्यागना चाहिए। अगर उसने नित्य कर्म त्याग दिया तो उसका उद्धार नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा तो क्या होगा, वो तमोगुण में फंस जाएगा। तो उसको ज्ञान की जगह क्या मिलेगा, अज्ञान मिलेगा। इसलिए अगर कोई सन्यासी भी है तो सन्यासी है या त्यागी है नित्य कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। 3 तरह के 3 समय का संध्या वंदन इत्यादि होता है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि सन्यासी भी फंस सकता है अगर वो क्या करता है नित्य कर्मों को त्याग देता है, मतलब सन्यास अपने आप में पर्याप्त नहीं है, नित्य कर्म यज्ञ दान तपस्या ये सब आदमी को शुद्ध करते हैं, और यदि वो कर्तव्य अभिमान से मुक्ति प्राप्त करके और फल का त्याग करके, फल को भोगने की इच्छा का त्याग करके किया जाता है तो वो सन्यासी है त्यागी है कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों बराबर ही। ठीक है, तो ये भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं 7 नंबर में। तो वही जो भगवान ने पहले बताया था, कहां पर बताया था, चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 5 में, वो सेम चीज भगवान यहां दोबारा बता रहे हैं। तो वो सेम आपका समरी चल रही है 8 नंबर। दुखाम इति एव यत् कर्मा काय क्लेश भया त्यजेत यत् कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। पढ़िए इसको। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसे यह त्याग रजोगुण में किया है, ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। अभी कोई भी व्यक्ति है सन्यासी है या फिर त्यागी है, वो नित्य कर्म को ये छोड़ के सोच के त्याग देता है। पहला जो व्यक्ति है 7 नंबर में बताया वो क्यों त्याग रहा है, वो ताक रहा है मोहवश, अरे इसे बंद जाएंगे, तो वो कौन सा त्याग कहलाता है, वो तामसिक कहलाता है, सन्यासी के लिए या त्यागी के लिए, दोनों के लिए। त्यागी मतलब निष्काम कर्मी होगा। लेकिन कोई इसलिए त्याग रहा है कि शारीरिक कष्ट होने वाला है, अरे बड़ा ठंडी का मौसम है, कौन निकलेगा कंबल के बाहर, नहीं करेंगे उसको, आज सुबह सुबह संध्या वंदन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको, तो वो क्या है, वो रजोगुणी त्याग है, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है, उससे आपका पतन होगा। तो ये भगवान बोल रहे हैं इसलिए जो नियत कर्म है आपका संध्या वंदन इत्यादि है जो शुद्ध करने वाला है उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए, ड्यूटी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। फिर 9 नंबर,
नौ नंबर में भगवान सात्विक बताने, सात्विक क्या है, कार्याम इति एव यत् कर्मा नियताम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स्यात्तागः सात्विको मतः। पढ़िए इसको। है अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को कारणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति नित्य कर्म करता रहता है, भले वो त्यागी है या फिर सन्यासी है, लेकिन किसको त्यागता है? फल को भोगने की इच्छा को त्यागता है और कर्तव्य अभिमान को त्यागता है। संगा त्यक्ता फलम चैवा, देखो पुरानी चीजें दोबारा भगवान रिपीट कर रहे हैं। संगम त्यक्ता फलम, संगम त्यक्ता मतलब कर्तव्य मान, और फलम मतलब फल को भोगने की इच्छा। इन दोनों का जब कोई त्याग करता है तो वो त्याग कैसा कहलाता है? वो सात्विक त्याग कहलाता है। तो इस तरह से जब व्यक्ति कोई करता है, किसको नहीं छोड़ता है? क्रिया को नहीं छोड़ता है, नियत कर्म को नहीं छोड़ता है। किसको छोड़ता है? फल को भोगने की इच्छा को और कर्तव्य अभिमान को छोड़ता है। तो उसको क्या मिलता है? उसको ज्ञान प्राप्त होता है, उससे वो शारीरिक चेतना से दूर होता है, उससे मुक्त होता है, और फिर उसको ये ज्ञात होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इस तरह से भगवान क्लियर कर रहे हैं इसको, सत्यगुड़ी रजगुड़ी तमगुड़ी, ये तीनों में कोई सन्यासी है या त्यागी है, मतलब निष्काम कर्मी होगी, वो गड़बड़ कर सकता है, कर्म योगी मतलब गड़बड़ कर सकता है। अब 10 नंबर, इसमें भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं वैसे, ना द्वेष्टि या कुशलम कर्मा कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। पढ़िए इसको। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म में से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। हरे कृष्णा। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो सत्यगुणी त्यागी है, मतलब निष्काम कर्मी योगी है, सन्यासी है, वो क्या करता है? वो अकुशल, अकुशल यहाँ किसके लिए बताया गया है? मतलब जो आपको कष्ट देने वाला है उसको त्यागता नहीं है, अगर वो शुद्ध करने वाला है तो। जैसे सुबह सुबह स्नान करना है तो ये नहीं सोचता अरे कौन इतना कष्ट लेगा, कष्ट सहन करेगा, जिंदगी बनी है मौज मस्ती करने के लिए, इतना क्यों कष्ट सहे हम सुबह सुबह उठे। तो सुबह सुबह उठ के स्नान करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति उसको छोड़ता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो शरीर को कष्ट देने वाला है। और भले कुछ चीजें शरीर को अच्छी लगती हैं, अगर वो आध्यात्मिक लाभ नहीं देने वाली है तो उसका वो त्याग कर देता है। जैसे मान लीजिए कुछ कार्य हैं, मान लीजिए लेडीज के लिए कोई मेकअप का सामान है, बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए वो हिंसा के द्वारा बनाया गया, उसमें खासकर जो मेकअप सामान वगैरह होते हैं बहुत जगह पशु हिंसा का इस्तेमाल होता है, या फिर आदमी लोग जो बेल्ट वगैरह पहनते हैं वो लेदर बेल्ट है, उसमें पशुओं को बहुत कष्ट दिया गया है, तो भले ही देखने में बड़ा सुविधाजनक लगे, लेकिन उसको व्यक्ति को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। तो वो भगवान क्लियर कर रहे हैं, नहीं देहे व्रता सक्यम त्यक्तम कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। पढ़िए इसको। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो भी शास्त्रों में जो भी आदेश दिए गए हैं, जो जो भी आपको करने के लिए बोला गया है, उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। निष्काम कर्मियों के लिए दोनों बोला गया है, काम कर्म करिए और नित्य कर्मी करिए, सन्यासी को बोला है सिर्फ नित्य कर्म करिए, तो जो जो जिसके लिए बोला गया है उसको करना चाहिए। त्यागना किसको चाहिए? भोगने की जो इच्छा है, मानसिकता है, उसको त्यागना चाहिए।
और कर्तव्य मान की जो मानसिकता है उसको त्यागना चाहिए। तो मानसिकता को त्यागिए, जो भी ड्यूटी दी है उसको मत त्यागिए, ये भगवान क्लियर कर रहे हैं। तो जो उसको त्यागता है, किसको? भोगने की इच्छा को त्यागता है और कर्तव्य मान को त्यागता है, वो असली त्याग कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का उत्थान होता है, तो ये भगवान बताते हैं। लेकिन प्रभु जी यहाँ पर तो खाली सिर्फ कर्म फल के बारे में बता रहे हैं कि कर्म फल का त्याग करना है, कर्तव्य हाँ। अभिमान का तो क्लियर नहीं कर रहे यहाँ पर। कर्तव्य अभिमान का देखिए, भगवान अभी सीरीज में जा रहे हैं ना, तो 9 नंबर में ऑलरेडी भगवान बोल चुके हैं, 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर तीनों कनेक्टेड है। तो 9 नंबर में ऑलरेडी जहां भगवान ने बोला संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा का मतलब है कर्तव्य अभिमान से मुक्ति, और फलम का मतलब है फल की इच्छा के त्याग। तो 9 10 11 तीनों कनेक्टेड है। हर हर श्लोक में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भगवान उसको रिपीट करेंगे। तो त्यागी का डेफिनेशन 9 10 11 तीनों को मिला के दिए, तीनों को मिला के होगा, ना त्यागी या सन्यासी, भगवान ये बता रहे हैं कि कोई सन्यासी है त्यागी है उसको ये 9 10 11 तीनों फॉलो करने चाहिए। हम समझ रहे थे 11 नंबर वाला ही खाली त्यागी के विषय में समरी करके बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, समरी नहीं है, 9 3 9 10 11 तीनों तीनों कनेक्टेड है। ओके, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, दूसरा बोलूंगा, तीसरा बोलूंगा, तीनों का समरी आपके लिए एप्लीकेबल, सिर्फ आखिरी वाला नहीं। ओके, 12 नंबर, अनिष्टम मिश्रम मिश्रम चा त्रिविधम कर्मणा फलम भवति अत्यागिनाम त्रित्य न तु सन्यासीनाम क्वचित्। पढ़िए इसको। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। यहाँ तो यहाँ भगवान क्या, किसको सन्यासी बोल रहे हैं? जिसने फल को भोगने की इच्छा को और कर्तव्य अभिमान को मुक्त कर दिया, उसकी बात कर रहे हैं भगवान। तो इसको जिसने छोड़ दिया है, उस व्यक्ति को इस संसार में ये 3 तरह के फल नहीं भोगने पड़ते हैं, जो जिसने त्याग नहीं किया इस इच्छा का उसको भोगने पड़ते हैं। तो जिसने इनकी इच्छाओं का त्याग नहीं किया उसको 3 तरह के फल भोगने पड़ते हैं। कौन से? अनिष्टम, अनिष्टम मतलब जो कि इस संसार में दुख देने वाला है, मतलब उसको नरक में अगर दुख भोगना पड़ता है या निचली योनियों में दुख भोगना पड़ता है तो वो अनिष्टम हो गया। इष्टम मतलब स्वर्ग इत्यादि उसको भोगने को मिलेगा। और मिश्रम, मिश्रम मतलब दोनों का मिक्सचर, जैसे मनुष्यों में दोनों होता है, सुख और दुख आता रहता है। तो ये सारे फल किसके लिए? ये उस व्यक्ति के लिए है जिसने इन 3 को, इस ये जो इच्छा है कर्तव्य मान की इच्छा और फल को भोगने की इच्छा, इसका त्याग नहीं किया है, उनके लिए तीनों के तीनों फल मिलते हैं, अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम। और जिसने इसका त्याग कर दिया है उसको तो आध्यात्मिक रिजल्ट मिलने वाला, उसको इन सब की चिंता नहीं होती है। तो ये भगवान क्लियर करते हैं। और 13 नंबर से भगवान अभी थोड़ा और टॉपिक में लेके जाएंगे गहराई में, कि कैसे व्यक्ति कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो सकता है। अभी तक क्योंकि भगवान ने इसके बारे में तो बहुत अच्छे बताया, किसके बारे में बताया? कि कैसे व्यक्ति फल का त्याग कर सकता है, तो वो सब भगवान पहले बता चुके हैं पहले चैप्टर्स में। लेकिन अभी तक भगवान ने कर्तव्य अभिमान से कैसे मुक्त होना है उसका भगवान ने डिटेल नहीं बताया, कि क्या व्यक्ति की मानसिकता होता है इसके द्वारा वो कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो सकता है। तो भगवान 13 नंबर से बताएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत सुंदर, मतलब थोड़ा इंटेलेक्चुअल है आगे के जो वो है, सबको अपना बुद्धि खोल के रखना पड़ेगा। तो कर्तव्य अभिमान से कैसे मुक्त होते हैं वो भगवान बताने वाले हैं, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम।